वर्क में पढ़ेंगे सोशल केस वर्क, ठीक है जी। तो सोशल केस वर्क क्या होता है, ये हमेशा होता है एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल है, ये क्या है, एक तरीके की बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है, मान लो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको कोई साइको सोशल प्रॉब्लम आ गई, तो इस इंडिविजुअल की साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, जो हम मेथड अप्रोच में लाएंगे उसको सोशल केस वर्क के अकॉर्डिंग लाएंगे, ठीक है। सोशल केस वर्क में क्या करेंगे हम, इस इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जिससे इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और इस सेल्फ सफिशिएंट हो जाए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो एक मैंने ओवर आउटलाइन बना दी कि सोशल केस वर्क क्या होता है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता है, पीछे हमने वीडियो में पढ़ा है कि सोशल वर्क जो है एक तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है, और इसमें क्या चाहिए होता है, एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन स्किल, वही आदमी जिसको ह्यूमन स्किल में एक्सपर्टाइज हो। तो सोशल केस वर्कर में जो सोशल वर्कर होता है, ठीक है, सोशल वर्कर कौन होगा, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, ठीक है, तो वो सोशल वर्कर ही इसके इन्वायरमेंट में मॉडिफाई करेगा। हम अब आप अगर इसके इन्वायरमेंट में, ठीक है, हम जैसे हमारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी तो इंडिविजुअल है, हम उसके इन्वायरमेंट मॉडिफाई करते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसा कर, और उसको अगर अच्छी सलाह देता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक सोशल केस वर्क का एक तरीका है, लेकिन वो एक्चुअली सोशल केस वर्क नहीं, क्योंकि हम जो है प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा सोशल वर्कर जो आएगा प्रोफेशनल, वही इसके एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेगा सोशल केस वर्क में। बस ध्यान ये रखना है कि सोशल केस वर्क में केवल और केवल हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं। आगे चल के मैं सोशल ग्रुप वर्क पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इंडिविजुअल की जगह क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगी। तो ये तो एक तरह की आउटलाइन। तो सोशल केस वर्क का कोई भी आप आंसर लिखने से पहले ना एक ये ओशो की कोट करेंगे, चाहे वो पूछे ना पूछे, ठीक है, इससे आपके नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओशो ने बोला था, मैं लिख देता हूँ और बोल भी देता हूँ, इफ़ द एटम कैन हैव सो मच एनर्जी व्हाट टू से अबाउट मैन, ठीक है, फिर उन्होंने अगले जाने बोला व्हाट टू से अबाउट दिस स्मॉल फ्लेम ऑफ कॉन्शियसनेस इन मैन, ठीक है। तो इस पूरी कोर्ट से वो क्या बता रहे हैं कि एक इंडिविजुअल, एक एटम जो होता है उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो एक परमाणु बम बन सकता है, ठीक है। इसी तरह जो हम इंडिविजुअल होते हैं, हमारे अंदर भी एक फ्लेम है, एक ज्वाला है कॉन्शियसनेस की, हमारे अंदर है, इंडिविजुअल के अंदर होता है, ठीक है। और हम सोशल केस वर्क में क्या कर रहे हैं, उसी फ्लेम को ही तो हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम ये अगर ओस्लो की कोट लिखेंगे, ठीक है ना, तो हमें और अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको आगे तो बहुत बड़ी है, पूरी में लिखता हूँ, इतना भी लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि क्या है, ठीक है। पूरी कोट लिखना चाहते हैं जो बच्चे, तो फिर मैं पूरी लिखता हूँ। फिर उन्होंने बोला था, इफ सम डे दिस स्मॉल फ्लेम बर्स्ट फोर्थ, इट इज बाउंड टू बिकम एन infinite source of energy and light, ठीक है।
अगर ये फ्लेम जो है ब्रस्ट हो गई, मतलब ब्लास्ट हो गई, तो एक इनफाइनाइट एनर्जी निकलेगी और एक लाइट निकलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैपन टू ए बुद्धा और टू ए जीसस। तो जीसस और बुद्धा जितने ग्रेट पर्सन थे, ठीक है, इन लोगों के संग भी यही हुआ था, ठीक है। जब ये भी एक इंडिविजुअल थे, तो अगर ये अपनी कॉन्शियसनेस को जगा के इतने बड़े महान आत्मा बन सकते हैं, तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है। ये एक अलग अप्रोच है, आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करना सोशल केस वर्क को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोशल केस वर्क के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सोशल केस वर्क की डेफिनेशन बहुत लोगों ने दी थी, हम रिचमोंड की पढ़ेंगे, ठीक है। ईजी भी है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं। रिचमोंड ने बोला था कि सोशल केस वर्क, ठीक है, इज द आर्ट ऑफ, लिख देता हूँ, सोशल केस वर्क इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द बेटर एडजस्टमेंट। सब जगह हमें एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है, ठीक है, इन ए सोशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल मैन वूमेन और चिल्ड्रेन, ठीक है। कितनी इजी डेफिनेशन है कि सोशल केस वर्क क्या है, एक आर्ट है जो करती है, ब्रिंग लाती है एडजस्टमेंट इन द सोशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ये सोशल रिलेशनशिप क्या है, तो सोशल रिलेशनशिप क्या है, ये कुछ नहीं है जो हम अपने आप में तथा दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है विद इन आवर सेल्फ, ठीक है, और ये होता है दूसरे लोगों के संग विद अदर। तो ये हमारे कैसे रिलेशन है, ठीक है, ये हमारे सोसाइटीज़ हैं, ये हम आपस में अपनी फैमिली में क्या कर रहे हैं इंट्रा। तो ये रिलेशनशिप में जब भी गड़बड़ी आएगी तभी तो प्रॉब्लम होगी, और वही प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके इन्वायरमेंट को एडजस्ट करके। और कौन एडजस्ट करेगा, सोशल वर्कर। तो ये सोशल केस वर्क की भी पूरी डेफिनेशन होगी। और भी डेफिनेशन है वाटसन की, क्यून की है, ली की है, आपको जो भी अच्छे लगे ये लिखना, इसके संग एक दो और लिख देना, ठीक है। तो सोशल केस वर्क में क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गई आपकी इंटर पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, ये हो गई आपकी इंट्रा पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, स्ट्रेस आना इंडिविजुअल को, आजकल सबके साथ ही चल रहा है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाना गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, ठीक है, डाइवोर्स हो जाना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, धोखा मिलना, ठीक है। तो ऐसी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है जो किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम किस में होंगी, इंडिविजुअल में, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को मैं साइको सोशल प्रॉब्लम भी बोल सकता हूँ, ठीक है, साइको सोशल प्रॉब्लम भी बोल सकता हूँ। और इसी को दूर करने के लिए मैं सोशल केस वर्क के कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, मैं उनको अप्लाई करूँगा। तो अब हम उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अब हम इसमें देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। प्रॉब्लम जब आती है, जब कभी भी, ठीक है, नीड और वांट में दिक्कत आ जाती है, नीड और वांट, ठीक है। नीड का मतलब होता है कि जो बेसिक नीड होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ब्रेड हो गई आपका, हाउस हो गया, ठीक है, और क्लोथ्स हो गई, ये हर किसी को चाहिए, ठीक है। वांट्स होता है कि जब ये फुलफिल हो गई इसके एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए। कोई कहता है मेरे को कार चाहिए, कोई कहता है कि मेरे को मॉड्यूलर किचन चाहिए, ठीक है ना। तो ये फीमेल डिमांड कर रही है, कोई कह रहा है मेरे को हायाबूसा बाइक चाहिए, ठीक है। तो ये वांट है, नीड और वांट में जब भी, ठीक है, आदमी की नीड वांट बन रही है, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना,
या उस लायक वो है नहीं, तो यहाँ से प्रॉब्लम होना क्रिएट होती है। ठीक है, अगर हमने नीड और वांट में बैलेंस कर दें तो ये प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हो गई तो अब इन प्रॉब्लम को दूर करना ही पड़ेगा, यही सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सोशल केस वर्कर में जो सोशल वर्कर होता है सबसे पहले क्या करता है, रैपर्ट बिल्डिंग करता है। ठीक है, रैपर्ट बिल्डिंग का मतलब हो गया आपके संग इतने अच्छे रिलेशन बनाएगा वो कि आप अपनी सारी बातें सोशल वर्कर को बताओगे, नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो आपकी सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बेटर बेटरमेंट करना है आपके इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो वो कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, वो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क में क्या क्या हम प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सोशल केस वर्क में हम क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हम दो तरह के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, एक होता है जेनेरिक प्रिंसिपल और एक होता है आपका डिफरेंशियल। ठीक है, जेनेरिक प्रिंसिपल जो थे वो हम पढ़ेंगे, ये बिस्टेक। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बिस्टेक, बिस्टेक ने क्या क्या दिए थे प्रिंसिपल। सबसे पहला उनका प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जैसा नाम है उसका पता चल रहा है कि हमें हर एक वर्कर को, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल लेना है। ठीक है, और एवरी पर्सन क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है। सबको हमें जनरलाइज नहीं लेना है कि हर आदमी है तो सब एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, एज, ठीक है, सेक्स, हमें उसको एज ए यूनिक मानना है और उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है। तो पहला प्रिंसिपल हमारा हो गया है इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ठीक है, जब हमारे पास, ठीक है, कोई भी क्लाइंट आएगा, जो हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, उसको बोलते हैं क्लाइंट, तो ये क्लाइंट हमारे पास आया, ठीक है, तो हम इससे एक पर्पसफुल हमारे एक्सप्रेशन करेंगे फीलिंग की। ये नहीं कि उससे कुछ नहीं, ज़्यादा दोस्ती कर ली कि कोई और ही रिलेशन बन जाए। ठीक है, एक हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस क्या है कि इसकी साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करना। ठीक है, तो साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करना ये हमारा पर्पस है। जैसे ही दूर हो गई तो हमें अब इससे रिलेशन ब्रेकअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने आइडियाज़ को, उसकी आइडिया को एक्सचेंज करेंगे आपस में। ठीक है, इससे हमारे बीच में और पर्पसफुल रिलेशन बनेंगे कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं, और क्लाइंट को भी पता हो कि वो किस पर्पस के लिए आपके पास काउंसलिंग कराने आ रहा है। तीसरा प्रिंसिपल होता है कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये सेम ऊपर वाले की तरह है कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें हमारे अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है। तो मतलब क्या है, हमें इसको प्रोफेशनल वे में करना है। ठीक है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, उससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए ना, अगर हमने अपने इमोशनल वहाँ पे दिखा दिए, तो हम जो उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज है ना, उसको कभी हम पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और जब तक हम रूट कॉज नहीं पता पाएंगे, साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उससे हमें क्या करना है, उसके संग हमें इम्पैथी दिखानी है। ठीक है, ना कि सिंपैथी, सिंपैथी को नहीं दिखाना, इम्पैथी को दिखाना। इम्पैथी का मतलब होता है कि हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचेंगे कि उसके संग ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या चीज़ उसे बुरी लग रही होगी। ठीक है, सिंपैथी का मतलब होता है कि चलो उस बंदे को प्रॉब्लम है, उसके संग अच्छा नहीं हुआ, तो हम उसके कंडीशन में जाके उस सिचुएशन को नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पैथी को हमें रखना चाहिए। और हमें क्या रखना चाहिए उसके संग, चौथा प्रिंसिपल आएगा, वो बोलता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट एज ए पर्सन एज इट करना है। ठीक है, कोई हमारा प्रिजुडाइसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई हमारा पूर्वालोकन नहीं होना चाहिए कि ये आ रहा है इस कम्युनिटी से आ रहा है तो ये है, इस कम्युनिटी से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसको ऐसी का ऐसी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल। अब फिफ्थ प्रिंसिपल जो है बताता हूँ,
फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल होता है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ठीक है। तो हमारा एटीट्यूड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसको जज नहीं करना है, ठीक है। अगर हमने किसी को जज कर दिया तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब हमें किसी भी पर्सन को जो है उसे जज नहीं करना है, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं करना है, नहीं तो हम उसकी सोशल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे और उसके इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसा ही प्रिंसिपल का नाम है वैसे एक्सप्लेनेशन है। फिर है क्लाइंट का सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमें क्लाइंट को खुद डिसाइड करना चाहिए जिस क्लाइंट को कि क्या चाहिए, हमें उसको उस पर कुछ थोपना नहीं चाहिए। तो आप वहाँ पे लिखोगे कि डोंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब, ठीक है। हमें उसे प्रिस्क्राइब कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, फिर हमेशा ये होना चाहिए पार्टिसिपेशन। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ये मेडिसिन कहता है, ये पिल्स ले लो, वो हमें प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, मतलब वो पार्टिसिपेट करे, खुद डिसाइड करना चाहेगा कि उसको किस तरह की थेरेपी चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन में एक चीज़ हो जाता है ना, कभी भी आई अप्रोच यूज नहीं करना है, जैसे कि आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, आई कैन डू दिस, आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस, ठीक है। आई नहीं, वी आर वर्किंग, ये बोलना है अपने आपको, ठीक है। तो आई अप्रोच को टर्मिनेट करना है आपको। फिर उसके बाद लास्ट जो प्रिंसिपल है जेनेरिक में, ठीक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के ग्लोबल सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम जो है सोसाइटी को पता चले, ठीक है। और यही एटीट्यूड हमें चेंज करना है, इसी कारण वो प्रॉब्लम लेके नहीं आता। और कितने इंडिविजुअल अपने अंदर ये प्रॉब्लम को छुपाए रखते हैं, उसे डर लगता है कि ये प्रॉब्लम जब मैं किसी को बताऊंगा तो वो सोसाइटी को बता देगा। तो जो सोशल वर्कर है उसका ये अटमोस्ट ड्यूटी है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, ठीक है। जैसे अभी हमारा एड्स प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एड्स प्रोग्राम है उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन करी जा रही है, इवन टीवी के प्रोग्राम में भी पूरी मेंटेन करी जा रही है, क्योंकि लोग सोसाइटी के डर के मारे सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यह है कि सोशल वर्क को हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी का फॉलो करना चाहिए, बाई हुक एंड बाई क्रुक, ठीक है। अटमोस्ट केयर देनी चाहिए उसे कॉन्फिडेंशियलिटी में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, तो वो दो तीन ही है, वो वहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल प्रिंसिपल जो मैंने दो बताए थे, तो उसमें आपको लिखने हैं, पहला प्रिंसिपल है सोशल रोल का, ठीक है। तो हमें उसको बताना है तेरा सोशल रोल क्या है, ठीक है, तेरी क्या, उसको बताएंगे कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ये ओनर्स है, ठीक है। फिर हम एक प्रिंसिपल है मोड ऑफ अडॉप्टेशन, ये सब डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, ठीक है। मोड ऑफ अडॉप्टेशन में क्या होता है कि किस तरीके से हम उसको सिचुएशन से अडॉप्ट करना सिखाएंगे, तो इसमें तीन तरीके हैं। एक तो फाइट करे वो सिचुएशन से, ठीक है, या फ्लाइट कर दे मतलब भाग जाए सिचुएशन से दूर, ठीक है, या पेयरिंग करे, ठीक है। पेयरिंग कैसे हो सकती है, रेशनल वे से हो सकती है और इरेशनल वे से हो सकती है, ठीक है। तो ये तीन मोड ऑफ अडॉप्टेशन हो गए। फिर एक थर्ड प्रिंसिपल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो, ठीक है। ईगो में क्या है, हम चेक करते हैं इद ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये क्या होता है, मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं इस पर अलग लेक्चर लूँगा, अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने कुछ बोला था, इतना एंट्री दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है उसकी ईगो को, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ करना है। ईगो बेकार नहीं होती, कहते हैं ईगोइस्टिक है, गंदा आदमी ना, ईगो होना ही बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी ईगो को स्ट्रेंथ अप कर देंगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि मेरे को क्या देना है। तो उसका गिव अप, गिविंग
द सोसाइटी, ठीक है, ये सारे एटीट्यूड आएंगे, तो उसकी ईगो को भी हमें स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। तो अब मैं रिवाइज करता हूँ, तो हमने दो तरह के प्रिंसिपल पढ़े, एक जेनेरिक प्रिंसिपल, उसमें ये 7 प्रिंसिपल पढ़े, फिर डिफरेंशियल में हमने ये 3 प्रिंसिपल पढ़े, तो ये सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। पिछले साल एक क्वेश्चन ये आया था कि सोशल केस डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क विद एग्जाम्पल, तो सब आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई आ रहा है, कोई कहाँ उसकी कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करनी है, कहाँ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड करना है, तो एक क्वेश्चन का ये पार्ट खत्म हो गया।